हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले तो आपको हैप्पी हरेला। आज हरेला है तो भाई यार, मैं घर को बस जा ही रहा था और जस्ट यहाँ पे मुझे पता चला है कि दो गाड़ियों का एक्सीडेंट हो रखा है। मैं दिखाता हूँ, एक तो ये स्कूटी है और एक वो वहाँ पर है कार, उसके पास जाते हैं अभी। और ये हैं भाई साहब हमारे। हेलो, सारा उसी में ज़्यादा सब दिख जाता है, वाइड एंगल में दिखता है पूरा। तो मतलब ऐसा है, अभी गाड़ी दिखाते हैं फिर क्या क्या हुआ, जरा आप भी बताना जरा, ठीक है? क्लियर क्लियर। अरे तो आड़ा हेलमेट, चलो भाई। ये देखो भाई, ये आगे से घुस रखी है गाड़ी। माय गॉड, नंबर ब्लर कर देना है। गजब ही गिर रखा नंबर, खाली मतलब इतना फेमस आ गया, इतना फेमस आ गया। या भाई, स्कूटी से कुछ ज़्यादा ना, वो ब्लर हो जाता है स्कूटी से। इतनी ज़्यादा ये स्कूटी से टूटी है, इतनी ज़्यादा यार, मतलब यार बहुत स्पीड में होगा स्कूटी वाला, देखो जरा इतनी ज़्यादा टूट रखी है। तुम कर क्या रहे थे, मतलब ये बताओ जरा यार, कैसे हुआ, कैसे मतलब आ रहे थे हम आगे नॉर्मल आ रहे थे। हाँ, यहाँ पे कोई वहाँ पे दिखाई, वहाँ पे वो है हवा भरने के लिए गाड़ी, हवा भरने के लिए। हाँ, तो वहाँ पे ये गाड़ी हवा भरने के लिए खड़ी थी, तो उसका ड्राइवर गाड़ी के बाहर जो नॉर्मली खड़ा था, स्कूटी आई उसने पहले उसके हाथ में ठोका। उनकी भाषा में कहा जाए तो उस बंदे ने उनकी स्कूटी ठोकने के लिए हाथ आगे कर दिया था, तभी वो वहाँ पे केस लड़ रहा है अपना भी, वरना उसके हाथ को ठोका, अब डिसबैलेंस हुआ और गाड़ी आगे सीधे हमारी गाड़ी। अच्छा, और मतलब स्पीड में थे। हेलो भाई, हेलो कैसे हो? और भाई हेलो, आशीष आज तो बिल्कुल भयंकर बनाना बन के आए, पीले पीले बड़ा स्मार्ट लग रहा है यार, क्या बात है। यहाँ पे यार घुसो रखा है हर्षित का यार, मतलब कैसे हुआ ये? अभी वाला स्कूटी वाला है ना, वो आया मतलब यहाँ पे, और कुछ उनका पहले से चल रहा था तो झगड़े के मामले में डिसबैलेंस हो गया, आगे यहाँ ठोक दिया मतलब इसका, ऐसा ही। चलो अभी देखते हैं अब क्या होता है रिजल्ट। चलो यार, कोचिंग वोचिंग जाके घर पहुँच गया हूँ, और रास्ते में वो हर्षित था यार, हर्षित के क्या कहते हैं, किसी कोई स्कूटी वाला आया, उसने कार को मतलब रॉन्ग साइड में आके स्कूटी वाले ने ठोक दिया मतलब, तो वही बात आज कर रहे थे वो लोग। अब कुछ निकल जाएगा हल लास्ट में, है ना, अगर मेरे को पता चलता है तो आपको बताऊंगा जरूर। और वैसे आज मैं यार अपनी गाड़ी के लिए कुछ लेके आया था, ये देखो, मैं सोच रहा हूँ इसको यहाँ पे लगाने के लिए, सीसी के यहाँ पे, तो देखते हैं एक बार कैसा लगता है, निकाल के लगाता हूँ। ओके, चलो भाई लगा दिए मैंने, देखो बढ़िया लग रखा है, और ये लद्दाख वाला झंडा भी अच्छा है, 50 रुपये का लेके आया वैसे मैं ये, किसी भी आप गाड़ी की दुकान में जाओगे मिल जाएंगे आपको वहाँ वाले बढ़िया वाले। चलो अब चलते हैं घर को अंदर। चलो यार, शाम हो गई है और अंधेरा थोड़ा भी होने वाला है, अभी उजाला ही है, तो एक चक्कर ग्राउंड की तरफ को जाते हैं, देखते हैं क्या चल रहा है ग्राउंड में, फुटबॉल खेल रहे होंगे लोग, देख के आते हैं हम भी एक बार। अंशु को फ़ोन लगा रहा था और गोविंदू को फ़ोन लगा रहा था, दोनों ही नहीं उठा रहे हैं, तो दोनों फुटबॉल खेल रहे होंगे वहाँ पर, तो मैं भी एक चक्कर फुटबॉल के यहाँ देख के आता हूँ। खेलेंगे तो नहीं, खाली ऐसे ही घूम के आते हैं यार। वो देखो, आज धनुदा भी आ रखे हैं, चलो इनका गेम देखते हैं आज। चलो यार, अभी मैं क्या कहते हैं अग्निवीर का भी फॉर्म भर के आ गया हूँ, 4 साल वाली भर्ती, ठीक है, वो कृष्णा डिजिटल के यहाँ से भर के आया, जो पेट्रोल पम्प के बगल में मोड़नी है, हाँ यहीं से भर के लाया। और ये सॉस कल मैं यही ढूंढ रहा था यार, देखो ये किसान सॉस ढूंढ रहा था, मिल ही गया आखिर आज। चलो अब घर चलते हैं फटाफट। चलो अंधेरा हो गया है, गाड़ी ढकता हूँ अपनी, निकल मेरा, निकल जा यहाँ पे, देखो बढ़िया बना दिया मैंने, देख रहे हो, वाह। ये लद्दाख जाके आया हूँ, लद्दाख से लगा के आया ये माँ ओमनी। चलो ठीक है, फटाफट ढकते हैं इसे। ओके, गुड नाइट डार्लिंग, गुड नाइट। अब मैं सुबह मिलूँगा उससे, सुबह कोचिंग। अरे ना यार, कल तो संडे है, कल कोचिंग नहीं होगी, कोचिंग जाएंगे सोच रहा हूँ, मगर कल संडे है। चलो बढ़िया है, फिर अब चलता हूँ मैं अंदर, ताला लगा के आ रखा हूँ, देखो पूरा अंधेरा, और कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है, नहीं लाइट, किचन की लाइट जल रखी है, कभी कभी भूल जाता हूँ ना मैं बंद करना, इसलिए। तो चलो फटाफट अंदर, ताला खोल। ओ, दूध आ गया, दूध कुंडा लगा के गया था ना, बाहर ही रह गया। यूप, चलो अभी मैं आ गया हूँ बाहर से, और सबसे पहले अब दूध को हम उबालते हैं, क्योंकि अगर मैं दूध नहीं उबालूँगा तो आजकल क्या होता है, फट जाता है दूध। दूध को उबालता हूँ फटाफट, और वैसे रात को खाने के लिए क्या है, आज दिन में ही मैंने बनाया था चिकन, तो रात को खाने के लिए है ही भात, थोड़ा सा है, मतलब आटा गूंदना पड़ेगा, आटा गूंदते हैं फिर फटाफट, और खाने के लिए चिकन तो है ही,
दूध उबालता हूँ, इसमें मैंने दही भी जमाई थी। देखो ये इस बड़े वाले डब्बे में दही जमा रखी है, दही भी जम गई होगी शायद। तो चलो देखते हैं, तैयारी करते हैं रात के खाने की। अभी नहीं मगर थोड़ी देर बात करूँगा, अभी पहले थोड़ी देर पढ़ते हैं बैठ के, फिर उसके बाद करते हैं तैयारी। ओके ओके गाइज, इट इज़ स्लीपिंग टाइम एंड आई एम जस्ट रेडी टू स्लीप। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था, और मिलते हैं आपसे कल नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।